गाइस, क्या आपको पता कि फोन ज्यादा गर्म होने से उसका परफॉर्मेंस खराब होने लगता है? अगर आपको जानना है कि किस टाइप का हीटिंग होता है और ये क्यों होता है अपने आपके मोबाइल में, और इस हीटिंग का सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट देखना। मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सकीब अनवर और आप देख रहे हैं सकीब टेक्निकल। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल की सिर्फ दो ही चीज गर्म होती है, एक होती है एसओसी या फुल फॉर्म सिस्टम ऑन चिप, और एक होती है बैटरी मोबाइल की। दोस्तों, एसओसी चिप बेसिकली एक मोबाइल का मदरबोर्ड ही कहिए आप, जो पीसी का मदरबोर्ड होता है, जिसमें जितने भी कंपोनेंट लगी रहती है, वो जितने भी कंपोनेंट सीपीयू जीपीयू 4G वाईफाई बहुत से उसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं, वही कंपोनेंट एक एसओसी यानी कि सिस्टम ऑन चिप में लगी रहती है। और वो जो एसओसी है चिप, वो हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में यानी पीसीबी में लगी रहती है। तो इससे क्या होता है, जब भी हम कोई भी हैवी टास्क काम करते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं, तो हमारे जो मोबाइल का जो एसओसी है वो धड़ाधड़ काम में लग जाता है। तो इससे हम जो एक साथ, जाहिर सी बात है, कहीं भी एक साथ, अक्सर जो पहले पुराने फ़ोन होते हैं तो उसमें बहुत से चिप लगे रहते हैं, लेकिन आजकल के जो नए फ़ोन में आ रहे हैं, वो जो भी सारे जो चिप्स हैं वो एक ही चिप्स में लग जाते हैं, मर्च हो जाते हैं, उससे बोलते हैं हम एसओसी चिप यानी कि सिस्टम ऑन चिप। तो इससे एक साथ होने के कारण में बहुत से, मतलब हमारे जब काम करते हैं तो मोबाइल बहुत से, मतलब मोबाइल हमारा हीट होने लगता है। जब भी हम कोई भी फ्री फायर, पबजी, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत से एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इस तरीके से जो जब भी यूज़ करते हैं तो हमारा मोबाइल जो है वो पूरी तरीके से हैंग होने लगता है। दोस्तों, अब हैंग क्यों होता है? दोस्तों, जब भी हमारा, अब आप कहोगे कि हमारा जब मोबाइल हीट होता है तो हैंग क्यों होता है? दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हमारी एसओसी है, जब भी वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है तो उसमें एक सेंसर लगा रहता है, जब भी वो हीट होगी तो एक, या फिर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि टेम्परेचर आपका हाई हो चुका है, या फिर वो सेंसर क्या करेगा कि वो चिप्स में उसकी जो भी उसकी परफॉर्मेंस, उसको लो कर देता है ताकि वो और ज़्यादा हीट ना हो, ताकि वो मोबाइल को आपका डैमेज ना कर दे। तो इसकी मदद से बहुत से उसमें कंपोनेंट चालू रहते हैं और वो बंद कर देता है सेंसर, जब उसको महसूस होता है कि मोबाइल अब ओवर हीट हो चुका है। तो इससे जब भी हम, जब वो चालू हो जाता है, बंद कर देता है, तो हमारा मोबाइल की परफॉर्मेंस बिल्कुल लो हो जाती है। दोस्तों, अब यह एक कारण था। दोस्तों, एक बात बता दूं कि बहुत से लोग ये सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि हाउ टू सॉल्व मोबाइल हीटिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका सोल्यूशन सिर्फ दो ही है, या फिर दोस्तों आप अपना कवर लगा के कोई भी काम निकाल के करिए काम, या फिर दोस्तों जैसे कि हम कोई भी सर्दी में हम कोई भी जो जैकेट होता है, स्वेटर होता है पहने थे, तो हमारी जो गर्मी होती है सिर्फ अंदर होती है। इसी तरीके से हम जो भी कवर मोबाइल पे लगाते हैं, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, तो वो हमारे कवर को, मतलब जो कवर है हमारा, वो उस गर्मी को बाहर नहीं आने देता है। इस ये भी कारण है कि हमारा मोबाइल हीट होने लगता है। तो कभी आप अपने मोबाइल का कवर को निकाल के अपना हैवी टास्क काम करिए, तो आपका मोबाइल कम चांस है कि गर्म हो। दोस्तों, अब एक कारण एक कारण और है कि आपका, मतलब आप अपने मोबाइल को चार्ज लगा के मत करिए। दोस्तों, बहुत इसका कोई भी सोल्यूशन ये नहीं है कि आप कोई भी, बहुत से यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो कहेंगे कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लेकिन इससे आपका कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपका कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं बता दूँ कि इसका एक और कारण है कि आपका मोबाइल कभी आप अपने मोबाइल को रिपेयर करवाएंगे, इसका भी एक मतलब प्रॉब्लम हो जाता है कि जब भी हम, हमारा मोबाइल जब बंद हो जाता है, उससे हम सर्विस में दिखाते हैं या फिर कोई किसी रिपेयर शॉप पे दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट यानी कि डायोड, कॉइल, बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट लगे, जिसे हम बोलते हैं फिल्टर, पावर फिल्टर। दोस्तों, उसी को कोई भी कंपोनेंट अगर जला रहेगा तब भी आपका हीट होगा। अगर मान लिया किसी कंपोनेंट के जलने के बाद अगर आपका मोबाइल नहीं ऑन हो रहा, तो उसको आपको हटा के, बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ ढंग रहता नहीं, मोबाइल की दुकान खोल लेते रिपेयर की, तो उसको पावर, उसको उसको हटा के वहाँ पे दूसरा डायोड नहीं लगाएंगे या कोयल नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसका जो सोल्डिंग से उसका पावर को जोड़ देंगे, फिल्टर तो हट गया लेकिन पावर जाने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा मोबाइल ऑन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मोबाइल हीट होने लगेगा।
दोस्तों बस यही आपको बताना था कि आप इसका कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं, अगर आपका मोबाइल में कोई भी कंपोनेंट जला हुआ है तो आप दिखाइए इसका भी एक सॉल्यूशन है, या फिर अपना कवर को हटा के यूज़ करिए, या फिर आप मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप यूट्यूब पर सर्च ना करिए कि कोई भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन की मदद से आप नहीं कर सकते हैं। तो सर इस वीडियो में बचने में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं इस तरह की वीडियो डालूंगा तो आपसे मिस ना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।